चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अभी तक हम लोग 501 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, ठीक है। 500 क्वेश्चन हो गए, 501वां क्वेश्चन देखा। जितने भी हम लोग खत्म करते जा रहे हैं वो सभी आप लोगों को जनरल साइंस के नाम से जो सूची बनी हुई है उसी में सेव किए हुए हैं, डाले हुए, देखते रहें, ठीक। चलिए 501वां क्वेश्चन। लैंगरहैंस के द्वीप को इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थिति होती है, तो याद रखना अग्न्याशय। लैंगरहैंस के द्वीप को जो इंसुलिन स्रावित करते हैं अग्न्याशय में स्थित होते हैं। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध है, तो याद रखना हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है, यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित नियमित करता है। 53 क्वेश्चन, आँखों के दृष्टिपटल पर बनने वाले प्रतिबिंब है, तो याद रखना वास्तविक एवं उल्टा। आँखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। 14 क्वेश्चन, विटामिन सहायता नहीं करता है, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता है। उपापचय में आवेजक के रूप में सहायता करता है, रोगों से रक्षा करने में, पाचन क्रिया में भी, लेकिन ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में सहायता नहीं करता है। 505वां क्वेश्चन, 5वां, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। दूध में प्रोटीन पाया जाता है, दाल में और मांस में। 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय होता है, तो याद रखना है विटामिन सी, विटामिन सी जल में विलेय होता है, ठीक। आगे बात करते हैं, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो याद रखना के, ये ऑप्शन सही है। तो याद रखिए ए डी ए के, ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी ये होते हैं जल में घुलन, ठीक। 8वां क्वेश्चन, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल जाता है, तो याद रखना दूध से। दूध से एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस मिल जाता है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन लगभग 42% पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एवं मछली में विटामिन ए और विटामिन डी प्राप्त होता है। 9वां क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है, तो याद रखना अंगुलियों में, ठीक, ये ऑप्शन सही है। मानव के हाथ में सबसे अधिक 60 हड्डियां होती हैं। मस्तिष्क में 20 हड्डियां, असलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, ठीक। रीढ़ की अस्थियां की संख्या 33 होती है। 50 क्वेश्चन, 510वां क्वेश्चन, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है, तो याद रखना निकोटीन, निकोटीन तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। 11 क्वेश्चन, प्रोटीन क्या है, तो याद रखना पॉलीपेप्टाइड्स। 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, तो याद रखना ये ऑप्शन सही है, विटामिन ए, विटामिन ए यकृत में संचित किया जा सकता है। विटामिन ए के अलावा डी ई के भी संचित होते हैं। 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो याद रखना विटामिन सी, ठीक है। आगे बात करते हैं, 514, निम्न नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है, तो याद रखना 6 मांसपेशियों की, नेत्र गोलक 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा संचालित होता है। 15 क्वेश्चन, मशरूम से बहुतायात में मिलता है, तो याद रखना प्रोटीन, मशरूम से बहुतायात मात्रा में प्रोटीन मिलता है। 16 क्वेश्चन, आयरिस का क्या काम होता है, तो याद रखना ए ऑप्शन सही है, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आयरिस का काम होता है। 17 क्वेश्चन, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, तो याद रखना यकृत, लीवर में, ठीक है, लीवर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। बात करते हैं 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती, तो याद रखना उपयुक्त सभी है इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन है परावैगनी किरणें, गामा अवरक्त किरणें आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। कौन सी? परावैगनी, गामा अवरक्त किरणें। 19 क्वेश्चन, आंखों के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? तो याद रखना मोतियाबिंद। आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को मोतियाबिंद कहा जाता है। 20 क्वेश्चन, बेरियम मील के लिए उपयुक्त होता है, तो याद रखना पोषण नाल के एक्स किरण, ठीक है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो याद रखना ए ऑप्शन है कॉर्निया। इस किसका ए ऑप्शन सही है? नेत्रदान में दाता की आंख का कॉर्निया प्रत्यारोपित किया जाता है। रेटिना आंख में पाई जाती है जिस पर वस्तु का आकृति बनता है, प्रतिबिंब बनता है। 22 क्वेश्चन, मानव शरीर में वृक्क किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? याद रखना वरित मूत्र संबंधी। मानव शरीर में वृक्क किडनी वरित मूत्र संबंधी प्रणाली का भाग है। 23, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? याद रखना अग्नाशय। मानव शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। 24 क्वेश्चन, सेरिब्रम किससे संबंधित है? याद रखना हित मस्तिष्क से, सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। 25, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो याद रखना है अग्नाशय में। मानव शरीर में लाइसेज पैनक्रियास से स्रावित होता है, लिपेज फैट को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। लिपेज के अलावा पैनक्रियास ट्राइप्सिन एमाइलेज को भी स्रावित करता है। 26 क्वेश्चन, प्रोणों में चार प्रकार के दांत होते हैं, इन चार में नुकीला एक मूल वाला दांत कहलाता है, याद रखना रदनक। प्रोणों में चार प्रकार के दांत होते हैं, इन चारों में नुकीला दांत को रदनक कहा जाता है। केनाइन का काम भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करता है। इंसाइसोर, इससे भोजन को काटा जाता है। प्रीमूलर पीएम और मूलर से भोजन को चबाया जाता है। हाथी के ऊपर दो इंसाइसर प्रमुख से बाहर निकले होते हैं जिसे टस्क कहते हैं। 40 क्वेश्चन, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखना विटामिन ए। पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है, कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है। बात करते हैं 41, कॉड लीवर वायल किस का संयुक्त समृद्ध स्रोत है? तो याद रखना विटामिन ए का। 42, एंटीबॉडी मुक्त एक पदार्थ है, तो याद रखना प्रोटीन, ठीक। 43 क्वेश्चन, कहाँ पाचन विसर्जन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करते हैं? तो याद रखना स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र को भी कहा जाता है वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, लाइनेक्स या स्वर तंत्र में पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं। 44, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, लवण की कमी से। डी ऑप्शन सही है, डिहाइड्रेशन में लवण की कमी हो जाती है, खासतौर पर सोडियम की। इस रोग से ORS घोल का सेवन करना चाहिए या नमक चीनी का शरबत पीना चाहिए। 45, पुरुष के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं? याद रखना वैसेक्टोमी, ठीक। पुरुषों में बंध्याकरण शल्य क्रिया को वैसेक्टोमी कहा जाता है, महिलाओं में बंध्याकरण शल्य क्रिया को टूबेक्टोमी कहते हैं। 46, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 47, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, यह हार्मोन दूध को स्रावित होने में सहायता प्रदान करता है तथा बच्चे के जन्म के समय या गर्भाशय की दीवार में संकुचित लाता है।
इसे लीवर पेन हार्मोन भी कहते हैं। 47, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। ठीक है। 48, खून में कौन सा अवयव नहीं है होता है, तो याद रखना फिलासेंटा। ठीक, फिलासेंटा ब्लड में नहीं पाया जाता है, ब्लड में ब्लड प्लाज्मा 50%, इसका रंग हल्का पीला होता है प्लाज्मा का, और 90% पानी इसमें प्लाज्मा में, और 10% कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स आदि पाए जाते हैं। 49, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो याद रखें छोटी आंत से, छोटी आंत में अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन एवं अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ठीक। 50, क्वेश्चन, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है, तो याद रखना गति, ये ऑप्शन सही है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो याद रखना हृदय की धड़कन। ठीक है। 52, क्वेश्चन, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, तो याद रखना सीरीकल्चर। ठीक है। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है, तो याद रखना 7.4, अर्थात क्षारीय प्रकृति का होता है। 55, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं, तो याद रखना सिराएं। सिराएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं, इसमें अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। 55, वयस्क मनुष्य की प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्यपरास क्या है, तो याद रखना 60 से 80। ठीक। वयस्क मनुष्य में हृदय 70-72 बार धड़कता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार उत्तर 60 से 80 बार है होगा। ठीक। 4 रक्त समूह ए बी ए बी ए बी ओ में से कौन सा रक्त समूह वैश्विक दाता कहलाता है, तो याद रखना ओ। ठीक। सर्वग्राही, इसमें याद रखिए यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ है, क्योंकि इसमें एंटीजन एब्सेंस रहते हैं, एंटीजन नहीं होते हैं। सब ग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होगा, तो याद रखना ए बी। ठीक है। इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट रहते हैं। ठीक है। बात करते हैं 58 क्वेश्चन, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो याद रखना केवल ए बी को, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ग्रुप से ब्लड ले सकता है, लेकिन देने के समय वह ए बी ब्लड ग्रुप को दे ही देगा। ठीक। वो रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त किसे दिया जा सकता है, तो याद रखना सभी रक्त समूहों को। ठीक है। वो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ए बी ए बी को ब्लड दे सकता है। 60, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, तो याद रखना गुर्दा। ठीक है, किडनी या गुर्दा। 61, मानव शरीर से रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, तो याद रखना एड्रिनल ग्लैंड। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है, यह किडनी के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसमें निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड, यह हमारे शरीर में खनिज लवणों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स, यह नॉन शुगर प्रोटीन एवं फैट को शुगर में परिवर्तित कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। एंड्रोजन सेक्स हार्मोन है यह। यह हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को नियंत्रित करता है। दाढ़ी मूछाना जननांगों का विकास, शरीर के अन्य भागों का में बालों का आना। ठीक। 62, पितिजन एक पदार्थ है, तो याद रखना यह है डी ऑप्शन सही है। पिति रक्षा संवेद को प्रेरित करता है, पितिजन वह पदार्थ है जो पिति रक्षा संवेद को प्रेरित करता है। 63, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्पंदन की एक शर्त है, तो याद रखना हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, इस रोग के पीड़ित व्यक्ति में रक्त स्पंदन नहीं होता है। 64, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो याद रखना बेंजोइक अम्ल। ठीक, डी ऑप्शन सही है। 65, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो याद रखना ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक, ये ऑप्शन सही है। 66, स्फेगमो मैनोमीटर
चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है? तो याद रखना रक्तचाप के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 67, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? तो याद रखना उपयुक्त सभी, स्तनधारी एवं पक्षी वर्ग को छोड़कर सभी जानवर शीत रक्त जानवर है। 68, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में रूप में संगीत रहता है? तो याद रखना है आपको ग्लाइकोजन। ठीक, 69, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है? तो याद रखना प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त स्कंदन में सहायता करता है। इसका निर्माण रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा से होता है। इसकी मृत्यु स्प्लीन फिलिया में होती है। 70, में पितिरक्षी बनते हैं? तो याद रखना लाल अस्थि मज्जा में पितिरक्षी बनते हैं। यह हमें रोगों से रक्षा करता है। यह प्रोटीन का बना होता है। 71, चर्बी को हजम करने करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है? तो याद रखना जिगर से। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह जिगर से लीवर से स्रावित होता है। लीवर में बाइल जूस का निर्माण होता है। यह भोजन को क्षारीय बनाता है। 72, अम्ल का स्वाद होता है? तो याद रखना खट्टा। अम्ल लीटे नीले लैटमस पथ को लाल कर देता है तथा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। HCl H2SO4 NHNO3। फिर हमारा 73, निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची एक और सूची दो से। तो चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफ ECG मस्तिष्क रोगों का निदानकारी है यंत्र है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र है। स्फिग्मोमैनोमीटर ये रक्त चाप मापने के लिए है। स्टेथोस्कोप ये हृदय की धड़कन सुनना के लिए। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन है वैसे। ठीक है, बात करते हैं 74, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है? तो याद रखना शर्करा। 75, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है? तो याद रखना है आपको क्या, बी आयरन। ठीक, कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। ठीक, 76, विटामिन B12 में। 76, लाल रुधिर कणिकाओं में बनती है? तो याद रखना अस्थि मज्जा में। इसकी मृत्यु होती है स्प्लीन में फिलिया में। ठीक, 77, लाल रक्त कहाकार होता है? तो याद रखना ओ है वह अवतल अवतल। ठीक, डी ऑप्शन सही। 78, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त घटक नहीं है? तो याद रखना DNA प्लाज्मा RBC प्लेटलेट्स। ठीक, बात करते हैं हम लोग 79 79, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो याद रखना हेपेरिन। ठीक, ये बी ऑप्शन सही है। 80, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो याद रखना फाइब्रिनोजेन। ठीक, 81, एक वयस्क मनुष्य का रक्त औसत मात्रा होता है? तो याद रखना 5 से 6 लीटर। जिसका pH मान होता है मनुष्य के रक्त का 7.4। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का 6 से 7% होता है। ठीक, 82, रोधाणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? तो याद रखने 90%। सी ऑप्शन सही। 83, सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? तो याद रखना 100 से 150 मिलीग्राम। ठीक, बात करते हैं 84, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो याद रखना फेरिक फ्लोराइड। ठीक, सी ऑप्शन सही है। 85, हृदय का काम है? तो याद रखना रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। 86, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इस किसके द्वारा रुका जा सकता है? ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा, बी ऑप्शन सही है। ठीक, ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा फलों के पकने से पहले गिरने से रोका जा सकता है। ठीक, 87, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र की किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो याद रखना प्यूपा।
88. निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो याद रखना रेयान. ठीक है, ऊन रेशम कपास में सभी प्राकृतिक रेशे हैं, रेयान मानव निर्मित है. 89. वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है? तो याद रखना केंचुओं के द्वारा उत्पादित जैविक खाद है. ठीक है, 90. उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है? तो याद रखना क्लोरीन. ठीक, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, लेकिन क्लोरीन नहीं होता. 94. 91. बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नलिखित उर्वरकों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रेट, सॉरी नाइट्रेट, ये ऑप्शन सही है. 92. क्वेश्चन, हर वीरियम है, तो याद रखना सूखे रूम में जड़ी बूटियों का संग्रह. बात करते हैं 93. निम्नलिखित में से कौन सा एक मांस भक्षी पौधा है? तो याद रखना वाटर वार्ट, बी ऑप्शन सही है. ठीक, इसकी ब्लाडर बर्ड कीट भक्षी होता है या जलीय होता है? वैसे पौधे जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है वे कीटों का भक्षण कर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं. इस प्रकार के पौधे हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है जिसमें कीट का पाचन होता है. ठीक, पिक्चर प्लांट और नेपेंथिस. ठीक है, कलश पौधा. 94. तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त होता है? तो याद रखना चीड़. चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है. साइकस के स्टार से साबूदाना बनाया जाता है, इसे सागो पाल्म कहते हैं. साइकस एवं गिंको बिलोबस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है. 95. इसमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? तो याद रखना सूत, डी ऑप्शन सही है. 96. लौंग जो सामान्यतः रूप से मसाले के रूप में काम आती है प्राप्त होती है? तो याद रखना पुष्प कलिका से. ठीक, 97. आँख का अंदरूनी फीचे का पेस्ट कहलाता है? तो याद रखना दृष्टि पटल, बी ऑप्शन रेटिना सही है. बी ऑप्शन सही, आँख का अंदरूनी फीचे कभा दृष्टि पटल रेटिना कहलाता है. रेटिना का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है. आयरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आंख की पुतली कहते हैं. दृढ़ पटल के नीचे काले रंग का एक झिल्ली होती है जिसे जिसे कोरोइड कहते हैं. अंगले दृढ़ पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं. नेत्रदान में से ही दान दिया जाता है कॉर्निया. आंख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है. 98. ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है? तो याद रखना पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, बी ऑप्शन सही है. ठीक, CO2 COSO2 आदि इत्यादि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी. 99. विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो याद रखना नीली है. ठीक, 600वां क्वेश्चन है, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो याद रखना गुर्दा. ट्रेड मिल टेस्ट गुर्दा या किडनी से संबंधित चिकित्सा प्रणाली है. तो चलिए हम लोग 600 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं अभी तक. ठीक, आगे हम बात करेंगे 601 से आगे क्वेश्चन. ठीक है.